हेलो स्टूडेंट, आई एम जयश्री चौबे। टुडेज सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश भारती स्टैंडर्ड टू। लेट स्टार्ट। पेज नंबर 62, लेसन 4.8, रीडिंग टाइम। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, रीड द पैसेज बिलो इट एंड राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन इट। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स मीन्स यहाँ जो नीचे पिक्चर दिया है आपको उसको क्या करना है, देखना है। रीड द पैसेज बिलो इट, उसके नीचे ये पैसेज दिया है उसको रीड करना है। एंड राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स, और इस पैसेज में देखो कुछ मिसिंग वर्ड्स दिए, उसको आपको मिसिंग वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। ये पैसेज ऐसे करके आपको पूरा कंप्लीट करना है। देखो हाँ, यहाँ कौन सा पिक्चर दिया है, वेरी गुड, सही पहचाना आपने। यहाँ कौन सा पिक्चर दिया है, गार्डन का पिक्चर दिया है। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, देखो ये तीन बच्चे बलून से खेल रहे हैं। देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा, ये छोटा सा बच्चा है, ये इनसे बलून ले रहा है। यहाँ स्विंग पर दो दो बच्चे झूल रहे हैं। यहाँ एक मैन डॉग लेके जा वॉकिंग कर रहा है। यहाँ सीसॉ पर दो बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ स्लाइड्स पर भी बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ बुशेस है, फ्लावर्स है, और फ्लावर्स के अराउंड आपको क्या दिख रहे, यहाँ कौन फ्लाई कर रहा है, बटरफ्लाइज। देखो बटरफ्लाइज दिख रहे हैं आपको। हाँ यहाँ लॉन है, ट्रीज है, यहाँ बर्ड्स है, यहाँ देखो स्काई है, माउंटेन है, ठीक है। यहाँ देखो पेड़ पर कौन दिख रहा है आपको, मंकी बैठा हुआ दिख रहा है। इस तरह हमने इस पिक्चर रीड किया। देखो आपने इस पिक्चर में क्या कुछ ऑब्जर्व किया है, वेरी गुड। इन बच्चों की जो जर्सी और पैंट है जो एक जैसा है, यानी एक जैसा, यानी कौन सा ड्रेस होगा, ये शायद स्कूल ड्रेस होगा। और ये सब बच्चे कहाँ आए हैं, स्कूल से पिकनिक के लिए आए हैं, ये स्कूल पिकनिक होगा। चलो हम अभी पैसेज पढ़ते हैं और मिसिंग वर्ड्स लिखते हैं। इन द पार्क यस्टरडे वी ऑल हैड बीन टू अ फॉर द स्कूल पिकनिक। कहाँ गए थे, पार्क में गए थे। यहाँ क्या लिखेंगे, पी ए आर के, पार्क। यस्टरडे वी ऑल हैड बीन टू अ पार्क फॉर द स्कूल पिकनिक। कल हम सब स्कूल पिकनिक के लिए पार्क में गए थे। द पार्क वॉज वेरी ब्यूटिफुल, पार्क बहुत ही सुंदर था। देयर वर ग्रीन, क्या थे, देयर वर ग्रीन, ग्रीन ग्रासेस, वहाँ क्या था, हरे कलर की क्या था, बहुत सारे गवत थे, ग्रास थे। देयर वॉज अ सिटिंग ऑन अ ट्री, ट्री पर कौन बैठा था, देखो मंकी। देयर वॉज अ मंकी सिटिंग ऑन अ ट्री, मंकी ट्री पर बैठा था। पिंक एंड वाइट ब्लूम इन द ग्रीन ग्रास, पिंक एंड वाइट कलर के क्या थे, फ्लावर्स। पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स ग्रीन ग्रास पर क्या थे, खिले हुए थे। देयर वर फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के आजू बाजू में कौन फ्लाई करता है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ, देखो यहाँ तितलियाँ दिख रही है आपको, वहाँ फ्लावर के पर क्या थी, बटरफ्लाई घूम रहे थे अराउंड उसके। नीना यश एंड आई प्लेड विद द पिंक मिसिंग दिया, तो देखो लीना आई अने वो और कौन था उसके साथ में, यश, क्या किसको, कौन से बलून के साथ खेल रहे थे, ये क्या क्या है, पिंक बलून के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ क्या आएगा, नीना यश एंड आई प्लेड विथ द पिंक बलून, हमने यहाँ बलून लिख लिया। अभी नेक्स्ट को, महेश एंड दीपा एंजॉयड स्विंगिंग ऑन द, ये देखो यहाँ महेश एंड दीपा दिख रही, वो क्या कर रहे, बहुत एंजॉय कर रहे, किस पर, स्विंग पर बहुत एंजॉय कर रहे, यानी झूला झूल रहे, स्विंगिंग यानी झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, महेश एंड दीपा एंजॉय स्विंगिंग ऑन द स्विंग्स,
सलमा एंजॉयड प्लेइंग ऑन द लॉन्ग पर्पल. अभी यहाँ देखो लॉन्ग और पर्पल कलर की क्या है, स्लाइड है. तो यहाँ कौन है, सलमा. सलमा कहाँ खेल रही है, एंजॉय कर रही है वहाँ लॉन्ग पर्पल की क्या इस पर क्या कर रही है, स्लाइड पर एंजॉय कर रही है. तो हमने क्या लिखा, सलमा एंजॉयड प्लेइंग ऑन द लॉन्ग पर्पल स्लाइड. उसके बाद क्या, जेनी एंड आयुष सेट ऑन द ब्लू. देखो आपको यहाँ सीसॉ दिख रहा है, कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है. उस पर कौन बैठा है, जेनी एंड आयुष. ये जेनी है और ये आयुष है. तो जेनी एंड आयुष सेट ऑन द ब्लू सीसॉ. जेनी और आयुष कहाँ बैठे, ब्लू कलर के सीसॉ पर बैठे. नेक्स्ट है, आई सॉ अ मैन वॉकिंग विथ हिज. देखो यहाँ एक मैन दी है, वो किसके साथ वॉक कर रहा है, डॉग के साथ. I saw a man walking with his dog. We had a lot of fun in the park. हमने पार्क में बहुत ही फन किया, फन यानी बहुत मस्ती की, मजा की. ओके अभी हमने ये पिक्चर रीड किया और नीचे दिए पैसेज के मिसिंग वर्ड कंप्लीट किए. देखो हमने इस पैसेज में जो मिसिंग वर्ड्स थे वो कंप्लीट कर रहे थे. तब हमें देखो कलर्स के नाम आए, कौन कौन से कलर्स के नाम आए बताइए. वेरी गुड, ग्रीन, पिंक, वाइट, पर्पल और ब्लू. कितने कलर्स के नाम आए, टोटल 5 कलर्स के नाम आए. तो ग्रीन कलर के क्या थे, ग्रासेस. पिंक और वाइट कलर के क्या थे, फ्लावर्स. और क्या पिंक कलर का और क्या था, बलून. पिंक कलर का और क्या था, बलून था. पर्पल कलर की क्या थी, स्लाइड थी. और ब्लू कलर का क्या था, सीसॉ था. ओके अभी उसके बाद एनिमल्स के नाम है, कौन से दो एनिमल्स के नाम है यहाँ, मंकी और डॉग. उसके बाद यहाँ बच्चों के नाम है, कितने बच्चों के नाम है यहाँ बताइए आप, 7 बच्चों के नाम है. कौन कौन यहाँ पिकनिक के लिए कौन कौन से बच्चे आए थे, नीना आई थी, यश, महेश, दीपा, सलमा, जेनी, आयुष. और इन सब लोगों ने पार्क में पिकनिक बनाया और बहुत सारे फन किया. ओके इस तरह हमारा 4-pointed रीडिंग टाइम ये लेसन कंप्लीट हुआ है. अभी इसके अलावा हम ऐसा ही एक दूसरा पैसेज लेते हैं, वो रीड करते हैं और मिसिंग लिखते हैं, उसमें जो मिसिंग वर्ड्स है वो लिखते हैं. देखो यहाँ आपको कौन सा पिक्चर दिख रहा है, हाँ यहाँ बहुत सारे एनिमल जमा है. कौन कौन से एनिमल है, एलिफेंट है, टाइगर है, लायन है, बियर है, जिराफ है, यहाँ मंकी है, यहाँ बर्ड्स है. देखो और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ बर्थडे पार्टी मना रहे हैं. देखो लायन की कैप के सिर के ऊपर कैप है, इसके जिराफ की इस पर भी कैप है. यहाँ जिराफ ने कौन सी ऐसे टंग का है बैनर, हैप्पी बर्थडे वाला बैनर का है. यहाँ गिफ्ट्स है, यहाँ केक है. ठीक है तो ये किसका बर्थडे होगा, लायन का बर्थडे है. चलो अभी Look at the picture, read the passage below and fill in the blanks using the hints word. यहाँ कुछ hints words दिए, उसके आधार पर हमें यो जो नीचे ये passage दिया है उसमें जो missing दिया है words जो दिए है वो words हमें complete करने हैं. और यहाँ कुछ hints words दिए, चलो अभी हम complete करते हैं. It is the lion's party दिया है, तो कौन सी lion's की ये party है, very good आपने सही पहचाना. Is the lion's birthday party, lion की birthday party. He is cutting a big, अभी यहाँ big क्या रखा है, केक. तो यहाँ कौन सा word आ गया, He is cutting a big cake. यहाँ कौन सा word आ गया, केक. Next, all animals are wishing the lion in their own way. वो अपने अपने पद्धत से
सब लोग लायन को क्या करें, विश करें, शुभेच्छा दे रहे। तो कैसे शुभेच्छा देते हैं, चलो हम देखेंगे। द बर्ड्स आर, बर्ड्स कैसे शुभेच्छा देंगे, गाकर शुभेच्छा देंगे, यानी सिंगिंग। बर्ड्स क्या करते हैं, सिंग करते हैं, तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा, सिंगिंग। द बर्ड्स आर सिंगिंग। द एलिफेंट इज ब्लोइंग द, वो क्या ब्लो करता है, उसकी ये क्या होती है, सूंड होती है। द एलिफेंट इज ब्लोइंग द ट्रम्पेट। द टाइगर ब्रॉट अस स्पेशल, टाइगर ने स्पेशल कायल क्या लाए हैं, देखो टाइगर ने क्या लाए हैं, टाइगर के पास क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही पहचाना आपने। द टाइगर बॉट अ स्पेशल गिफ्ट, टाइगर ने स्पेशल गिफ्ट लाया, उसको खास गिफ्ट लाया, किसके लिए, लायन के लिए। कलरफुल आर टाइड टू द ट्रीज, कलरफुल क्या लगे थे ट्रीज पर, क्या लगे थे कलरफुल, वेरी गुड, कलरफुल बलून्स, क्या लगे थे बलून्स लगे थे, कलरफुल बलून्स आर टाइड टू द ट्रीज। नेक्स्ट से द मिसिंग इज स्विंगिंग ऑन द ब्रांच, कौन झूला झूल रहा था ब्रांच पर, देखो यहाँ कौन दिख रहा आपको, ये कौन दिख रहा, वेरी गुड मंकी। नाउ नेक्स्ट, द जिराफ इज होल्डिंग द बैनर, तो जिराफ ने कौन सा बैनर होल्ड किया, देखो हैप्पी बर्थडे, कौन सा बैनर दिख रहा है आपको, क्या लिखा है उस बैनर पर, हैप्पी बर्थडे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द जिराफ इज होल्डिंग द हैप्पी बर्थडे बैनर, ऑल आर एंजॉयिंग द पार्टी, और सब लोग पार्टी क्या करें, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखो हमने अभी ये पैसेज कंप्लीट किया, आपको यहाँ एक मिस्टेक दिख रही है क्या, वेरी गुड आपने सही पहचानी, यहाँ बर्थडे का भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बाय मिस्टेक हमने क्या किया, बर्थडे का भी क्या लिया, कैपिटल लिखा है, तो बर्थडे का भी हमने क्या किया, स्मॉल लिख लिया। ओके, इस तरह हमने एक्स्ट्रा भी एक्सरसाइज ली और आपको 4.8 रीडिंग टाइम ये लेसन बहुत अच्छे से समझा होगा। हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।